हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात को हम जब क्रूज से वापस आए उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था एंड मुझे थोड़ा डिजी फील होने लगा था, सो आई जस्ट स्लेप्ट। एंड अभी हम वापस निकले हैं, थोड़ा लेट हो गए और अभी हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस टर्किश टी ट्राई करने क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हैं, एयरबीएनबी में ब्रेकफास्ट नहीं है। एंड उसके बाद हम जाएंगे ब्लू मॉस्क देखने और उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं तो आज हम वो सब कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं तक्सिम स्क्वायर की तरफ। हमारा जो एयरबीएनबी था वो अराउंड 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे था यहाँ पर, और सुबह के टाइम बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था जैसा इवनिंग में या नाइट में लगता है। सो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक किए क्योंकि अभी इतने लोग नहीं थे, टूरिस्ट कम थे, सो आप काफ़ी आराम से अपने पिक्चर्स ले सकते हैं। एंड तक्सिम स्क्वायर बहुत फेमस है, यहाँ पर एक फेमस स्ट्रीट है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जहाँ पर एक्चुअल नाइट लाइफ आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बार्स, कैफे, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। एंड अभी मॉर्निंग में अराउंड 8:30 और 9ish कुछ टाइमिंग था, सो इसीलिए क्राउड बहुत कम था एंड आप इजीली यहाँ पर घूम सकते हैं। अदरवाइज रात में तो यहाँ पर इतना रश होता है कि आपको कहीं भी जगह नहीं मिलती है कि आप कोई पिक्चर्स ले सके, बट अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का, सो फोटोज लेने के बाद चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। यमी यमी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ऑप्शन बहुत अच्छे थे, ब्रेड्स थी, ऑमलेट्स थे, जो यूजुअल ब्रेकफास्ट होता है। एंड आई ट्राई टू कैप्चर लिटिल बिट ऑफ द मेन्यू कार्ड सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ द प्राइसिंग। एंड अब ये है कदायफ, इट वॉज टू यमी, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, बट आप गुरप्रीत के एक्सप्रेशन से भी देखेंगे, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। आई जस्ट रोम अराउंड एंड वहां पर बहुत सारे डेजर्ट्स थे एंड उसमें से मुझे ये डेजर्ट पसंद आया, तो आप टर्किश डेजर्ट्स जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड दिस इज द फेमस टर्किश टी जो बहुत अमेजिंग थी। एंड उसके बाद हम निकल गए मेट्रो से ब्लू मॉस्क की तरफ। And as I have already mentioned, the local transport of Istanbul is really very good. And बहुत easily आप metro schedule, tram schedule समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ जाना है, so you can plan accordingly. But हम थोड़ा सा confused हो गए, हमें जाना कहाँ था एंड हमने दूसरा ट्रैक ले लिया, तो हम लकीली, फॉर्चुनेटली हम पहुँच गए इस्तांबुल यूनिवर्सिटी और हमें ये भी देखने का मौका मिल गया। और ये एरिया जो है वो तक्सिम के एरिया से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अलग था, बहुत सुंदर था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी थे यहाँ पर। और अब यहाँ तक आ ही गए तो लेट्स क्लिक अ पिक्चर। And I forgot to mention that Istanbul University is the oldest university of Turkey and it is very famous. और यहाँ आते टाइम हमारे साथ क्या गूफ अप हुआ वो आप आगे सुनिए। सो हम लोग ब्लू मॉस्क जा रहे थे लेकिन रास्ते में हम जो मेट्रो स्टेशन है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, हम येलो लाइन पे ड्रॉप हो गए। जो ब्लू लाइन है उस पर ब्लू मॉस्क है लेकिन वो ब्लू लाइन जिस स्टेशन पे हम उतरे हैं वहाँ पर नहीं है, तो अभी हम इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के पास हैं जिसकी अभी मैंने क्लिपिंग्स ऐड की हैं। और अब हमने वहाँ से देखा कि 500 मीटर पे एक और स्टेशन है जिससे हम जा सकते हैं लेकिन वो भी ट्राम स्टेशन है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से टैक्सी करते हैं, तो ऊबर टैक्सी करते हैं, देखते हैं टैक्सी का एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहता है। पर ये एरिया बहुत अच्छा है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम तक्सिम और जहाँ पर भी हम अभी थे। बट वी थॉट कि थोड़ा सा इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि ये स्ट्रीट्स बहुत अलग लग रही थी एंड ये सुल्तान अहमद के आसपास का एरिया है जो तक्सिम से बिल्कुल अलग है, तो हमने थोड़ा वॉक किया, ट्रैम लिया एंड हम पहुँच गए ब्लू मॉस्क। तो अभी हम लोग ब्लू मॉस्क आ चुके हैं ट्राम लेके, मेट्रो लेके, यहाँ पर चलते हैं देखते हैं कैसा है। तो
तो मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि ब्लू मॉस को ब्लू मॉस क्यों कहते हैं। मुझे उसका आंसर मिला अंदर जाने के बाद, बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इंटीरियर्स में ब्लू टाइल्स का यूज किया गया है, इसीलिए इसको ब्लू मॉस कहते हैं, जो अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये छोटे छोटे हमारे लवेबल कैट्स से भी मिल लीजिए, जो टर्की में बहुत फेमस है। इस्तांबुल में तो आपको हर जगह ये कैट्स देखने को मिलेंगी, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली। और उसके बाद अंदर चलते हैं, लेकिन अंदर जाने के पहले हमें अपना थोड़ा सा अटायर चेंज करना पड़ेगा। आई वॉज वेयरिंग फुल क्लोथ, सो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। हाँ, बट आई हैव टू कवर माई हेड, सो वो कवर किया। बहुत लंबी लाइन थी, अगर आप अपना स्कार्फ कैरी कर रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वहाँ पर स्कार्फ मिल जाएंगे। एंड आपको अपने शूज भी यहाँ पर उतारने पड़ेंगे, जो आप अंदर रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। सो चलिए अंदर चलते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल मॉस्क एंड इट वॉज बिल्ट इन 1600th century। और ये सुल्तान अहमद एरिया में है, तो इसको सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुल्तान अहमद के टाइम पर ही बनी थी। एंड इट कुड बी अदर वे, ये मॉस्क सुल्तान अहमद ने बनवाई थी, तो इस एरिया को सुल्तान अहमद एरिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस मॉस्क। सो समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर और द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लू मॉस्क। सो ये ऑटोमन एम्पायर के टाइम का एक मास्टरपीस है, और इसमें अराउंड 21,000 टाइल्स, अप्रॉक्सीमेटली इतनी टाइल्स लगी हुई हैं। और बाहर से जब आप देखेंगे तो 6 मीनार्स हैं एंड 4 डोम्स हैं। सो जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है ब्लू मॉस्क, उतना ही अट्रैक्टिव ये अंदर से भी था। सो हमने थोड़ा सा पिक्चर क्लिक किया। एंड ये मॉस्क अगर आप आना चाहते हैं तो ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। एंड ये जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ नमाज के लिए आते हैं। एंड आई विश कि मैंने ये मॉस्क इवनिंग के टाइम विजिट किया होता, तो ये जो सारी लाइटिंग आपको दिख रही है ये सब ऑन होती एंड और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल ये लग रहा होता, बट अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पिक्चर्स। And our next destination for the day is Hagia Sophia. So, जब आप ब्लू मॉस से निकलते हैं उसके ऑपोजिट ही आपको हैगिया सोफिया देखने को मिलेगा, एंड इसके लिए बहुत लंबी लाइन थी टिकट लेने के लिए। सो हमने काफ़ी देर वेट किया, अराउंड 45 minutes, 1 hour हमने वेट किया, एंड उसके बाद हम टिकट लेके गए अंदर। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर भी आपको अपना हेड कवर करके जाना कंपल्सरी है। सो हैगिया सोफिया 6th century में क्रिश्चियन चर्च था, जिसको बाद में मॉस्क में कन्वर्ट किया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको म्यूजियम भी बनाया गया एंड वापस इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है और इसको एज इट इज़ रखा गया है। आपको कहीं कहीं पे मदर मैरी की पिक्चर्स भी दिखेंगी, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर दिखेंगी, और ये जो कलर है वो भी, जो पेंट है वो भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है। बहुत सुंदर लाइटिंग की हुई थी एंड नीचे की तरफ जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ अभी भी नमाज होती है, प्रेयर होती है। सो वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर प्रेयर करते हैं, नमाज करते हैं।
सो ये थे इस्तांबुल के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट और बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इनकी। और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइकिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।